हाय एवरीवन, इसमें हमसे एनी और वाचिंग एचटीरीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज देखने वाले हैं जी मीम्स, जिसका टाइटल है मेन विल बी मेन पार्ट 14। तो ठग ऑफ मीम्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लीजिए, एचटीरीएक्स कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया हुआ। तो देखते हैं मीम्स, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, हेडफोन्स लगा लीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं। तो शुरू करते हैं जी, 3, 2, 1 एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हो? कोई इस बेचारे की भी सुन लो। पढ़ाई में क्या किया आपने? पढ़ाई में मैंने बीटेक किया है। दूसरा आपने एमए की है? हाँ जी, एमए की है। एमए की है तो एमए करने के बाद आप चाय सेल कर रही हो? तो क्या हुआ, अब आप भी इस काम को ज्यादा समझने लगे? काम भी आई काम हो गया ना। अच्छा, जलन हो रही है दीदी को? 10 कॉन्फिडेंस के लिए 10। लेट्स सी गाइस, आप इस लड़की को 10 में से कितना रेटिंग दे सकते हो? 9.5 वॉरी। ओह, ये तो 9 के लायक ही नहीं है। ओ भाई। ये भाई, ये टर्की में ही चलेगा ये वाला खेल। ये गोला पे नहीं रहना। नाम है हसन, ये एडिक्शन में थे। कैसे छूटेगी? चलिए इनसे बात करते हैं जी, बताएं आप। मैं असल में बहुत ज्यादा एडिक्शन में था गर्ल्स की। ओह, गर्ल्स मुझे बहुत पसंद थी, एवरीवेयर एनीवेयर। आई ओनली गर्ल्स ही पसंद हो तो सही रहता है। तो जिस वक्त आपने मुझसे इलाज कराया, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी? और गर्ल्स की तलब होने लगी। जाहिर सी बात है। Wait for the end. आपको क्या चाहिए सर? मेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा, उनके लिए मीठा नमकीन ऐसा कुछ खरीदना है मुझे। पर्सनल मैटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसे दो मैं कुछ भी दूंगी तुम्हें। कुछ भी देगी। क्लियर बोलना चाहिए भाई। सर, मिठाई नमकीन की बात कर रही थी मैं। अरे क्या है कि कॉलेज वाली लशपश होती है, यूनिवर्सिटी वाली जबरदस्त होती है, होटल वाली मस्त होती है, घर वाली बहुत स्वीट होती है, 5-स्टार वाली बहुत महंगी होती है, चाय आखिर चाय होती है। हाय हाय। सब लोग कहीं और घुस रहे थे। इतना गंदा आदमी हूँ मैं। ये बच्चा किसी का गुम गया है भोपाल स्टेशन पे, तो जिस किसी का भी लेके चले आ। अबे साले, ये बच्चा जिसका भी रो रही है बहुत तेज़। मार दे साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अरे चचा, अपनी उम्र के लिहाज कर लो। कौन है, कहां से आते हैं? लड़कों ने केला खराब कर दिया भाई। केला नॉर्मल नहीं रहने दिया, केले को इतना बदनाम कर रखा है। इतना सुख तो केले ने देखा तक नहीं जितना ककड़ी ने देखा है। ओहो, यहाँ हम पिघल गए। ये वही है ना, होली में वो लड़की पानी फेंक रही थी। देखा है ये? पहले मीम देखा था। लेकिन यार, यहाँ मैं पिघल गया। यहाँ मैं पिघल गया। देखा भाई, पिघल गया। बॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं या टॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड ही देखती हूँ मैं। तो बाहुबली में क्या कमी लगी जो आपको अभी भी मतलब टॉलीवुड पीछे लगती है? बॉलीवुड वाले एक्शन बनाते हैं, पर उसमें ये भी सीन क्रिएटेड होता है कि वो हमेशा ओवर एक्टिंग ज्यादा कर देते हैं हमेशा। अबे रुको जरा, सब्र करो। मैं भी खोलूंगा तो और जाएगा, और क्या जाएगा, लड़ा चूस लेगा।
रोस्ट कर दिया भाई को। सबको खिलाएगा लेकिन उसको नहीं खिलाएगा। मजबूती देख रहे हैं लौटने की। पसंद की नहीं थी क्या? आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, चेहरे से तो गोरी हैं पर उसे क्यों काली हैं? आपने बोल भी दिया जो बोलना था और नहीं भी बोलना जो बोलना था। कोई होली के नाम पे परमानेंट मांग देखा है यार उन्हें। तीन दिन से रगड़ रही हूँ, निकल नहीं रहा। ये हमारी शादी होगी हमें पता ही नहीं चला। क्या अच्छा लग शोभा देता है ये? अरे बता तो, हम मारते थोड़ी यार। हम भी 21 साल से सिंगल है, ठीक है अचानक से शादी हो गई। अरे पर बता तो किससे हुई? किससे हुई बेचारी ये पर दूल्हा ढूंढ रही है कब से। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। कुछ सॉन्ग बहुत ही अच्छे होते हैं ना, एग्री करते हैं कि नहीं? चुतिया है क्या यार? Well, it's not funny. हमेशा गांड में उंगली क्यों करता है? और तू ये कूला हॉर्नी बनकर हमेशा बकचोदी कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? It's always like इमरान ने पाद मारा, he's so funny. इमरान का खड़ा हो गया, he's so cool. Grow up. मेरी छठी उंगली का मजाक उड़ाना is not funny. मेरे फोन से कंगना को टेक्स्ट करना was not funny. Deleted scenes. अर्जुन, मैंने सिर्फ हाई सेक्सी भेजा उसको। क्यों भेजा? तेरी माँ का बैंग बैंग साले मेरे फोन से क्यों भेजा? Guys, guys, stop it you two. एक दूसरे के मुंह में दे दोगे क्या? देख एक चीज क्लियर हो जाए, मुझे इसका मुंह में लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हा, तुझे इंटरेस्ट होगी भी क्यों? तेरे मुंह में नहीं आएगा, मेरा उत्ता बड़ा है। अर्जुन यार, मैंने एक ही बार टेक्स्ट किया, हो गया बकचोदी, shit happens. क्या? बकचोदी मेरे फोन से? अरे यार इमरान मैन, अगर जादू यहाँ पे होता तो तेरी गांड फाड़ के रख। इसको चाहिए पूरी फिल्म ऐसे डब करे, बहुत अच्छी हिट होगी। ओ भाई पकड़ ले। भाई ने पैसे तो नहीं लिए वैसे। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। दिल से आप? मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। मैम सबसे पहले अपना नाम बताओ। निहारिका वर्मा। निहारिका वर्मा, ऐसा क्या है जो लड़की शादी के बाद अपने पति को कभी नहीं दे सकती? प्यारी समझ गई। सोचो ना क्या हो सकता है। क्या बोला तूने? बोल गई। सही था, ऐसा हो तो टैक्सी बन जाएगी। सही बात है वैसे, चेक करो। रुको जरा, सबर करो। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो। ओके तो ये थे आज के मीम्स, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ पुराने थे कुछ नए थे लेकिन अच्छे थे, मूड बन गया। आजकल मैं अपनी जो आप कह लें कि रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुबह के टाइम करता हूँ, तो मीम देखने पे दिन अच्छा जाते। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वन बाय वन देखते हैं जी, एक रिव्यू हो जाएगा। फर्स्ट वन ठीक था, सेकेंड वन वो तो भयंकर था, मतलब ऐसे मुंह पे कौन बोल देते हैं भाई। उसके बाद मजीद एडिक्शन हो गया। अब डॉक्टर इतनी अच्छी हो तो एडिक्शन तो हो गए हैं। डॉक्टर से याद है, मैं और मेरा दोस्त अरसलान, हमारा लाहौर में हुआ एक्सीडेंट। हम जा रहे थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गए हॉस्पिटल। और देखो हम उन दिनों हम ताज़ा ग्रेजुएट होने वाले थे, तो
तो हमारा जो मतलब जो फर्स्ट एड देने के लिए आई, मतलब छोटे छोटे लग गई थी मुझे, सर पे लगी थी, अरसलान को कमर पे लगी थी, तो वो बैंडेज करने आ रही थी, तो वी वर लाइक हाँ भाई कैसी है तो मतलब है ये एक होता है भाई, बॉयज समझ सकते हैं। उसके बाद चाय वाला भी ठीक था, वो तो सिंपल सिंपल बकचोदी थी भाई, चचा वाला। उसके बाद जनाब होली वाले सही थे। ऑस्कर भाई ये तो मानना पड़ेगा, साउथ की फिल्में अच्छी होती हैं, बॉलीवुड से बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद मांग भर गया, ये तो मैंने बहुत दफ़ा देख लिए, बहुत सारी वीडियोस में भी, इंस्टा पे भी। बेचारी कब से ढूंढ रही है, और जिंदगी ला मिलेगी दोबारा, ये डबिंग अच्छी थी, ये मेरे ख्याल में इसको मदीद करनी चाहिए थी। तो ये थे आज के मीम्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब को ठोक दीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।